अजमेर के आना सागर झील में इन दिनों विदेशी पक्षियों का कलरव गूंजता है। इन्हें देखने के लिए यहां आते हैं ढेरों सैलानी। इस बार फ्लेमिंगोज नाम के पक्षी भी यहां पर पहुंचे हैं, जो पिछले 3 साल से नहीं आ रहे थे। ये नजारा है अजमेर के आना सागर झील का, जहां इन दिनों विदेशी मेहमानों की आवक शुरू हो चुकी है। हजारों किलोमीटर की यात्रा कर आए इन विदेशी पक्षियों से पूरा झील गुलजार है। फिलेमिन, गेट, मोरहंस, डार्टर, मुरेंट जैसी पक्षियों के कारण ये झील पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इन पक्षियों में खास है फ्लेमिंगोज, जो 3 साल बाद यहाँ लौटी है अपने 4 माह के बच्चों के साथ। जिस प्रकार हम देख रहे हैं फ्लेमिंगोज आज 3 साल बाद वापस हम पर को यहाँ नजर आ रहे हैं, और वो इस पहली बार हमको देखने के साथ वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं, जो एक 4 मंथ्स के हिसाब से लगाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे हर साल फ्लेमिंगोज की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ के पानी में उस तरह की एल्गीज होती हैं जो इनको पसंद है और ये लोग खाते हैं, और ये ज्यादातर फिल्टर फीडर्स होते हैं, जो इनकी चोंच है उनमें बहुत बारीक लेमेलीज होती हैं। तो ये जो ग्रीन एल्गीज हैं, ग्रीन एल्गी को खाते हैं, और उसमें जो कैरेटिनॉइड और जेंथोफिल्स होते हैं वो इनके पंखों में जमा हो जाते हैं और वो रेड कलर देते हैं। तो जो रेड कलर है वो इस बात का इंडिकेटर है कि वो बर्ड कितना हेल्दी है। इन पक्षियों के लिए आना सागर झील में खाने के लिए काई और पीने के लिए नमकीन पानी दोनों ही मौजूद है, लेकिन शहर के बीचों बीच में इस झील के होने के कारण ये लगातार अतिक्रमण की समस्या से जूझता रहता है। पूरे शहर का गंदा पानी और पॉलिथीन जैसे कचरे पर अगर रोक नहीं लगाई गई, तो ये पक्षियां एक बार फिर से यहां से बोरिया बिस्तर बांधकर चली जाएंगी। आना सागर के आसपास जो कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं, क्योंकि आना सागर शहर के बीच में है, तो जिस तरह के यहाँ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं, निश्चित रूप से उनसे बर्ड्स की आने पर और माइग्रेशन पर फर्क तो पड़ता ही है। जितने भी अजमेर के यंग हैं, बच्चे हैं, उनको आके इस चीज को दिखाओ कि ये देखिए ये वाइल्ड लाइफ है, और ये जो बर्ड्स लवर्स हैं उनको ये दिखाओ कि हमको इनको बचाना है। जिस तरीके से ये हमारे यहाँ पर बढ़ रहा है आना सागर पे पॉल्यूशन और अतिक्रमण, उसके हिसाब से उसको रोकना है आज के अजमेर वालों को, क्योंकि ये जो आज हम देख रहे हैं हो सकता है कि हमारे बच्चे ना देख पाए। हालांकि झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत इस झील में भी कई स्कीम चलाई जा चुकी है, इसके फौरी नतीजे तो विदेशी पक्षियों के आगमन से दिखने भी लगे हैं, लेकिन जरूरत है कि झील को लगातार साफ सुथरा बनाए रखा जाए, ताकि हमारे ये विदेशी मेहमान अगले साल फिर जाएं। राधेश्याम गोयल, सहारा न्यूज ब्यूरो, अजमेर।